एसडीएम मेरे घर पे कब्जा करवा दिया, यहाँ की एसडीएम ने अमेठी क्षेत्र की। अब रोको, ये तहसील है। रोको, उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में महिला पत्रकार ने एसडीएम मुसाफिरखाना पर बड़ा आरोप लगाया है। महिला पत्रकार का कहना है कि एसडीएम प्रीति तिवारी मुसाफिरखाना ने बैनामे की जमीन पर मौखिक आदेश पर थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक के साथ मिलकर अवैध कब्जा करवा दिया। महिला पत्रकार का आरोप है कि बार बार एप्लीकेशन देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। थक हार कर महिला पत्रकार जब एसडीएम कार्यालय पहुंची तो एसडीएम प्रीति तिवारी ने कार्यालय से बाहर निकलवा दिया और गुस्से में कहा, मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगी, मेरा मूड खराब है। पीड़ित महिला पत्रकार नेशनल दस्तक न्यूज चैनल की बताई जा रही है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के मुसाफिरखाना तहसील के हारिमो के गाइमो गांव का है। अमेठी से ब्यूरो के सर्वेश श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट। लोग उम्मीद में रहते हैं कि एसडीएम साहिबा के पास जाएंगे, हम सुनाएंगे अपनी कहानी, लेकिन किसी को नहीं पता है कि एसडीएम साहिबा कुछ नहीं सुनती है, एसडीएम साहिबा कुछ नहीं करती है। आप मेरी आजादी छीनेंगे, आप मेरे बोलने की आजादी छीनेंगे, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। प्रीति तिवारी जी, आपने हमारे जमीन पर कब्जा करवाया है और आप ही उस कब्जे को मुक्त करवाएंगी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। कोई हमारे घर पे कब्जा कर लिया है, 2 महीने से रह रहा है मैम, मैं यहाँ गुहार लगा रही हूँ, आपके पास जमीन को कितनी बार भेज चुकी हूँ मैं भी पत्रकार हूँ मैम, और मैं भी लखनऊ से आई हूँ, मैं आपके यहाँ न्याय के लिए दौड़ रही हूँ, मेरी माँ आ रही है, ठीक है, मैं 1000 बार आपके पास कागज दे चुकी हूँ, एप्लीकेशन दे चुकी हूँ मैम, मैं 3000 रुपए 4000 रुपए लेकर लगा इतनी दूर आती हूँ, ठीक है, आप पुलिस स्टेशन भेज देती है और वहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती, घूस खा के बैठ जाते हैं मैम, आप बताइए कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं, आपके पास हुआ तो कहाँ जाऊँ, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। एक तरफा आपने फैसला सुना दिया कि आप जाइए बिना किसी आधार बिना कोई मतलब, ऐसा नहीं होता, आप ऐसा भगा देंगी, हम आपसे सवाल करेंगे तो आप ऐसा हमको पहचाने के लिए बोलेंगे, मैं आपका सब काम की फोन की थी, आप ऐसे हमको बोल देंगे कि आप जाइए, आपके आपकी नहीं सुन सकते हैं मैम, आपकी कुछ नहीं सुनूंगी, ठीक है, मैं 2 महीने से यहाँ पर चक्कर काट रही हूँ, 2 महीने से मम्मी को भेज रही हूँ मैं, 2 महीने से भेज रही हूँ मम्मी को, देखो इस तरीके से बात, क्या नाम है, बंताराम मिश्रा, इस तरीके से तुम लोग बाहर दवाई दवाइये, न्याय की बात कर रही हूँ, मुझे न्याय आपसे चाहिए, आपकी वजह से मेरे घर पे कब्जा हुआ है, मैं और कोई बात नहीं, ठीक है, इनकी बात सुनी दोनों ने, मन आपका खराब होता है, लेकिन हम कितना संघर्ष करते हैं, हमारे घर पे कब्जा हो गया, वहाँ बना रहे मैंने लिया है मैम, मैंने लिया अपनी माँ के लिए, मैंने लिया, आपने फिर कब्जा क्यों दिलवा दिया, आपने कब्जा क्यों दिलवा दिया, आप ऐसे साफ साफ रिपोर्ट आई वीडियो चला सकते हैं, बताओ कैसे कब्जा करवा रही है, एसडीएम मेरे घर पे कब्जा करवा दिया, यहाँ की एसडीएम ने अमेठी क्षेत्र की, अब रोको, ये तहसील है, रोको, यहाँ पर तहसील है ना, यहाँ इस वक्त अमेठी में हूँ, आप यहाँ पर जनता की लाइनें देख लीजिए, 2 महीने से चक्कर काट रही हूँ मैं, यहाँ की एसडीएम साहिबा ने मेरे घर पर कब्जा करवा दिया, पुलिस के जरिए भेज कर गलत आदेश देकर कब्जा करवा दिया, मैं सवाल कर रही हूँ तो मुझे भगा रही है ऑफिस से, कह रही मैं आपकी बात नहीं सुन सकती, मैं आपकी बात नहीं कर सकती, आप जाइए सिविल करिए जाके, मैं अपने मुंह से मारे हमारे घर पर कब्जा करवा दिया इन्होंने, किस आधार पर कब्जा करवाया, हमारा रजिस्ट्री है, एसडीएम नहीं है ये हमको अपने कार्यालय से भगा रही है, यहाँ पर इस प्रशासन मुझे भगा रहा है, यहाँ के लोग न्याय के लिए यहाँ पर आते हैं, गुस्सा झेलने के लिए नहीं आते, सरकार आपको सैलरी देती है तो जनता के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए नहीं देती है, ये देखिए यहाँ पर एसडीएम साहब आप प्रीति तिवारी पीसीएच करके उप जिला अधिकारी मुसाफिरखाना अमेठी आप वोट दीजिए, प्रीति तिवारी 2 महीने से मैं लगातार यहाँ पर चक्कर काट रही हूँ, मेरे बुजुर्ग माँ पर चक्कर काट रही, मैं एक पत्रकार हूँ लखनऊ से आती हूँ यहाँ पर, मेरी बुजुर्ग माँ आती है, मेरे घर पर कोई नहीं है, और यहाँ पर एसडीएम ने हमारे घर पर दूसरों को कब्जा करवा दिया, अवैध तरीके से कब्जा करवा दिया, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, कुछ नहीं है, और यहाँ पर जब मैं बोलती हूँ तो मुझे बोल रहे सिविल करिए, मुझे कोई आदेश नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना है, भाई किस आधार पर इन्होंने हमारे घर पर कब्जा करवाया है, मुझे जवाब चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मैं यहाँ पर डीएम के पास जाऊंगी, मैं सुपीरियर के पास जाऊंगी, मैं मुख्यमंत्री के पास
लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। हमारा घर है, वो मेरी बुजुर्ग माँ रहती है उस घर में। हमारी माँ को निकल कर कब्जा करवा दिया यहाँ की प्रीति तिवारी जी ने। प्रीति तिवारी जी यहाँ की एसडीएम है, मुसाफिर खाना भी अभी कार्यालय में बैठी है और मुझे धक्का मार कर निकाल दिया गया। मुझे धक्का मार कर निकाल दिया गया। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये बैठी है यहाँ पर मुझे धक्का। मैं बोल रही हूँ मैं पत्रकार हूँ, मैं इतनी दूर से आती हूँ तो बोल रहे मैं क्या करूँ पत्रकार हूँ। हमारे पास साक्ष्य है, एसडीएम बोल रही है यह हमारा फैसला नहीं कर सकती है। जनता को डराती है, धमकाती है तब ये फैसला करेगी। इनकी सुना, इनकी गुस्सा सुनने के लिए जनता यहाँ लाइनों में लगी रहती है। मिलकर हमारे घर पर कब्जा करवाया है, ऐसा नहीं चलेगा। ये अधिकारियों का गुस्सा झेलने के लिए जनता लाइनों में नहीं लगी होती है। यहाँ पर आती है जनता, दो महीने से चक्कर काट रही हूँ मैं, मुझे बोल रही है मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे भाई मेरी बात नहीं सुनेंगी, मेरी अधिकारी नहीं है। आपको सरकार सैलरी इसलिए नहीं देती है, आपको इसलिए यहाँ पर तैनाती नहीं मिली है कि आपको जनता का गुस्सा आपको समझ में ना आए, आपको उसका विश्वास न जीत पाओ, आप अपना तरीके से काम ना कर पाओ। जब मैं चाहती तो सवाल कर सकती थी। मेरा पर्सनल मैटर में रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अधिकारी नहीं। मैं दूसरों के निष्पक्ष न्याय की लड़ाई लड़ती हूँ, मैं दूसरे के अधिकार की लड़ाई लड़ती हूँ। आज मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैं हमारा घर पे कब्जा करवा के कोई दूसरा भगा रहा है, हमारी माँ को निकाल दिया गया। आप चुपचाप एक बार विजिट करने नहीं गई है और बता रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब आप किससे मिल करिए, अगर आप कुछ नहीं कर सकती थी तो आपने गलत आदेश कैसे दिया, आपने हमारे घर पे कब्जा कैसे करवाया। किसी अधिकारी है आप एसडीएम है, आपके बुलाने से दूसरा पक्ष नहीं आ रहा है। अरे वो दबंग है, आप क्या चाहती हैं? प्रीति तिवारी क्या चाहती हैं कि मेरे खून कतल हो जाए, फौजदारी हो जाए? ये सब यहाँ पर सबको भगाएंगी, सबको भगाएंगी। यहाँ पर प्रशासन तैनात है, सबको भगा रही है, बोल रहे हम सुनवाई नहीं करेंगे किसी की। यहाँ पर ये देखे सब पीड़ित है, किसी के घर पे कब्जा करवा दिया प्रीति तिवारी जी ने।